हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिशु और आप देख रहे हैं आरी मोटो ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन मोटो ब्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने। मेरे घर से वो है कम से कम थोड़ी दूर है, ज़्यादा नहीं है यार। चलो स्टार्ट करते हैं ऑफ रोडिंग। दो तीन दिन पहले बारिश हुई थी, उसकी वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। चलो चलो चलो, भाई स्पोर्ट्स बाइक होती तो ये ऐसे ही उछलती ना पत्थरों पर, लेकिन हम चला रहे हैं लोहा, ये नहीं उछलता भाई। ट्रैक देखते हैं कितना लंबा है ये। आना चाहिए पानी में। चलो घुसा ही देते हैं पानी में। तो जूते गीले हो गए पूरे। ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, 200-300 मीटर का होगा बस। स्पीड बढ़ा कर देखते हैं, नहीं बाइक कसों से नहीं उछाल रहा है ये। स्पोर्ट्स बाइक होती है बहुत उछलती, बस इसकी एक ही दिक्कत है, अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग करेंगे तो उसके व्हील के स्पोक से होती है ना, वो ढीली हो जाती है, बोरे बहुत तिड़ तिड़ की आवाज करती है। उन्हें वैसे भी 1-1.5 साल के बाद कसवाना ही पड़ता है। साथ में बह रही है एक खड्ड, ये अब नागी नहीं चल रहा है इन पत्थरों पर। मैंने सोचा ट्रैक तो हो गया खत्म, चलो यहीं पर घुमा लेते हैं एक बार। यहाँ पर वैसे ट्रैक्टर जाते हैं बस, बाकी कुछ नहीं, लेकिन हम लेकर जा रहे हैं लोहा।
ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी कम है यार इसकी। ये नया क्लासिक जो आया है ना, इसकी मेरे पास तो BS4 है, पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है यार। खासकर इसकी ना पिछली ब्रेक जो है ना, वो पत्थरों से बचानी पड़ती है। ये पत्थर से लगी तो ये टेढ़ी हो जाती है। हम चलाते हैं ट्रैक्टर वाले ट्रैक पर। भाई मत हार। थोड़ा सा भगाते हैं इसको। नहीं नहीं उछाल रहा है भाई, इसका खुद का वेट ही कितना ज्यादा है। आगे पानी, मैं जा रहा हूँ वापस घर। बस ऑफ रोडिंग करके आया, मज़ा थोड़ा। आज मौसम भी यार अच्छा नहीं है, धूप होती तो अच्छा रहता। अभी पूरे जूते गीले हो गए ना, ठंड लग रही है।